हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता सिंह आपका प्लांट एंड सीड गार्डनिंग चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये पिटूनिया का पौधा दिखा रही हूँ। पिटूनिया का जो है बहुत ही रंग बिरंगे फूल होते हैं ये, और मैं इन्हें नर्सरी से लाई थी कुछ पौधे, उनको मैं लगा रही हूँ। छोटी सी बास्केट में है ये, इसको सुलझा लीजिए, इसके रूट बाउंड हो तो, और अच्छे से इसको लगाइए। और फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, जब भी आप लेके आते हैं पौधा, उसको आप कम से कम 7-8 पत्ती का लाइएगा। छोटा लाएंगे बहुत तो आपको बहुत दिक्कत होगी इसको केयर करने में, बहुत ज़्यादा जो है इसको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको इसकी केयर करनी पड़ेगी। तो 7 पत्ती का कम से कम पौधा लाइएगा। और ये नैनीताल के पौधे हैं, अक्टूबर में आ जाते हैं और ये फेब में फ्लावरिंग देना शुरू कर देते हैं। तो ये सीड से ग्रो होते हैं, उसकी सीडलिंग को फिर बाद में जो है ट्रांसप्लांट किया जाता है इधर उधर। ये विंटर का सबसे खूबसूरत फूल मुझे लगता है, और ये सामान्यतः सभी लोग पसंद करते हैं और अपने बगीचे में इसको जगह देते हैं। तो ये सर्दियों का बेहतरीन पौधा है, बहुत ही सुंदर ये इसके फूल आते हैं। मैं इसको दिखाऊँगी, अभी मेरे बगीचे में खिले हुए हैं ये। ये हॉरिजेंटली ग्रो करता है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा गहरा पॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, शैलो पॉट में ही ये ग्रो कर जाता है। और एक प्लांट जो है एक गमले में बहुत होता है, और बहुत ज़्यादा ये फैलता है। तो आपको मैं दिखा सकती हूँ, ये जो है सिंगल पेटल का है और ये मल्टीपल पेटल का है। तो ये और डिफरेंट डिफरेंट कलर के आते हैं, वाइट है, वॉयलेट है, मैजेंटा है, लाइनिंग वाले कलर होते हैं इसमें पूरा। देखिए, ये बहुत सुंदर लगा मुझे, मल्टीपल पेटल्स का है ये। और इसमें मैं मिट्टी खाद की बात करूँ तो ये हैवी फीडर्स होते हैं। मैंने इसमें नीम केक, मस्टर्ड केक और गोबर की खाद डाली है। शुरू में आप गोबर की खाद डालिए, जब ये हरा भरा होना है, इसको बड़ा होना है, उसके बाद पोटेशियम रिच आप इसको खाद दे सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र। मैंने नीम और मस्टर्ड केक को मिला के लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है, और बनाना पील फर्टिलाइज़र मैं डालती हूँ जब ये हरा भरा होने के बाद ये फ्लावरिंग देने लगता है। तो इस समय अब इसको पोटेशियम रिच खाद चल रही है मेरी। तो ये हैवी फीडर्स होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ये फूल देते हैं। तो इसमें जो है हर 10 दिन में आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहिए, चेंज कर कर के। तो नीम के फर्टिलाइज़र देंगे तो इसमें एफिड्स भी नहीं लगेंगे, तो ये डबल बेनिफिट हो जाएगा हमारे लिए। तो इसको अक्टूबर के महीने में आप ले आइए, और या अपना सितंबर में आप सीड से लगा लीजिए, तो इसको 12 हफ्ते लगते हैं फ्लावरिंग देने में। तो देखिए कितने सुंदर फूल हैं, लाइनिंग है और कोई प्लेन है, कोई मल्टीपल पेटल है। तो इस तरह से ये पिटूनिया ग्रैंडी फ्लोरा होते हैं, हाइब्रिड वैरायटी आती है, इसे बहुत ज़्यादा पिंचिंग की ज़रूरत नहीं है, खुद ही फैलते हैं बहुत ज़्यादा। और पिटूनिया मल्टी फ्लोरा होते हैं जो कि समर के लिए होते हैं, और इसी तरह एक पिटूनिया मिली फ्लोरा होते हैं, बहुत छोटे फूल आते हैं उसको उसमें। तो ये आप पूछ के जब भी बीज लाते हैं तो उनसे आप सीड्स वालों से भी पूछ सकते हैं, आप नर्सरी वालों से भी पूछ सकते हैं। तो इसमें मैं जल्दी से कुछ बातें बता दूँ क्योंकि मेरा गला ठीक नहीं है। तो सबसे पहले तो अगर आप इसको ज़मीन में लगाना चाहते हैं तो इसको 1.5-2 फीट की दूरी रखिए, जिससे कि, और मेड़ बना के लगाइए जिससे पानी इसमें इकट्ठा ना हो। और ये फैलते हैं ये हॉरिजेंटली, तो इसको स्पेस चाहिए होता है फैलने के लिए। और नंबर 2, इसमें इनफ सनलाइट चाहिए होती है, तो इसको अच्छी सी सनलाइट दीजिए, सुबह की 3-4 घंटे हो या शाम की हो, तो इस तरह से इसको सनलाइट पसंद होती है। अदरवाइज सनलाइट नहीं देंगे तो इसकी फॉलेज तो बढ़ेगी लेकिन फ्लावरिंग नहीं देगा। तो और हैवी फीडर्स होते हैं जैसे मैंने बताया, तो इसको पोटेशियम रिच खाद दीजिए बाद में जब फ्लावरिंग का टाइम है, जनवरी से लास्ट से देना शुरू कर दीजिए। और उससे पहले इसमें खूब जो है गोबर की खाद डालिए और पत्तों की खाद डालिए। तो इस तरह से चेंज करते करते हर हफ्ते कुछ ना कुछ आप डालते रहिए इसको, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग ज़्यादा होती है तो ज़्यादा खाना चाहिए इसको। और ये जो है अगर आप इसमें मिक्स खूब फ्लावर चाहते हैं, मिक्स एक 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 लगाना चाहते हैं हर कलर के, तो आप इसमें बहुत बड़ा पॉट लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये फैलता बहुत है। और इसमें जो है पानी आप हर 2 दिन के बाद डाल सकते हैं। मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो तो ये मुरझाने लगता है, तो आप देख के डाल सकते हैं। अगर ऊपर की सॉइल आपको लग रही है हल्की सूख गई है, या पौधे बहुत डाउन हो गए हैं पत्ते इसके, तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं। पानी हमेशा सरफेस में डालिए। देखिए ये वाला फ्लावर का पेटल मुझे थोड़ा मोटा लग रहा है औरों की अपेक्षा, ये बहुत सुंदर है, एकदम वेलवेट जैसा है ये। आप इसको हैंगिंग गार्डन में, जैसे हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, कितना सुंदर लग रहा है ये।
इसकी पेटल थोड़ी मुझे पतली लग रही है। तो इस तरह डिफरेंट कलर के हैं, वाइट है, रेड है, मेजेंटा है, लाइनिंग वाले हैं, मल्टीपल कलर्स के हैं और मल्टीपल पेटल्स में हैं। तो इस तरह इसको आप अपने आंगन में ज़रूर जगह दीजिए, विंटर्स फ्लावरिंग सीजन में ये बहुत सुंदर लगते हैं। और इसमें फर्टिलाइज़र ज़्यादा दीजिए, डेप्थ कम रखिए इसके पॉट की, क्योंकि हॉरिजॉन्टली ये ग्रो करते हैं, सीड से ग्रो करते हैं। और इसमें जो है इनफ सनलाइट से ये होता है, और पानी हमेशा चेक करके दीजिए। और इसकी जो है हाइब्रिड वैरायटी है, तो ये 1 साल तक ये पौधा चलता है और फिर हर साल आपको लगाना पड़ता है। तो इसके सीड आप कलेक्ट कर सकते हैं, मैं सीड कलेक्ट करूँगी तो मैं उसका वीडियो आपको ज़रूर डालूँगी। तो और एफिड्स हो तो आप नीम के एक फर्टिलाइज़र आप जैसे देते हैं तो उससे एफिड्स भी नहीं लगेंगे। अगर आपको फिर भी लगता है तो आप ज़रूर इसमें नीम ऑयल जो है 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डालिएगा और अपने घर आंगन को खूब सुंदर बनाइए। तो कैसा लगा मेरा वीडियो बताइए। अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन पाइए।